ये जो रिकॉर्ड्स आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल मर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हम और आप हैं। अगर ये रिकॉर्ड्स इसी तरीके से बढ़ते रहे, लोग ऐसे ही मरते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब इस रिकॉर्ड में हम और आप अपना योगदान देंगे और इस लिस्ट को और आगे ले जाएंगे। ये आज इस वीडियो में मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा आपको, आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा हेल्थ स्टेटस का, वर्ल्ड के हेल्थ स्टेटस का, इंडिया के हेल्थ स्टेटस का, हम सब के हेल्थ स्टेटस का, कि कैसे हम अपनी हेल्थ को गंवाते जा रहे हैं, कैसे कैसे हम अपनी हेल्थ को लूज करते चले जा रहे हैं और एक दिन डिसीजेस के पास आते चले जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे रिकॉर्ड्स के बारे में। 2017 का रिकॉर्ड जो है वो मैंने यहाँ पर उठाया हुआ है। 2017 के रिकॉर्ड में आप अगर देखेंगे तो 750 मिलियन की पॉपुलेशन आपको देखने को मिली थी उस साल, और उस 750 मिलियन की पॉपुलेशन में रिकॉर्ड स्क्रीन पर आपको दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे कौन कौन सी डिसीजेस से कितने लोग जो है डेथ के शिकार हुए थे। और मैंने जो काउंट किया उसमें डिसीजेस, ओनली डिसीजेस से 50 मिलियन पीपल्स की डेथ हुई थी, जिसमें वेरियस डिसीजेस शामिल हैं। आपको यहां पर ग्राफ जो दिखाया जा रहा है उसमें दिख भी रहा है ये चीज। और साथ ही साथ अब आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि कितने लोग उस टाइम बीमार होंगे, बीमारी से सफर कर रहे होंगे और डेथ का इंतजार कर रहे होंगे, और फिर ये सोचिए कि कितने ही लोग हेल्दी सिर्फ बचे होंगे। तो ये डराने वाले रिकॉर्ड हैं कि आगे स्थिति और गंभीर होती चली जाएगी। ऐसा नहीं है 2017 की ये रिकॉर्ड है, आज हम 2021 में ये वीडियो बना रहे हैं और आप देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं 2021 में बहुत सारे रिकॉर्ड चेंज हो गए और हम हेल्दी होते चले गए। हम और ज़्यादा अनहेल्दी होते चले जा रहे हैं, डिसीजेज और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, डेथ रेट्स और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो आंकड़े अभी क्लियर नहीं हुए, लेकिन अगर आंकड़े क्लियर होंगे तो इससे ज़्यादा ही रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, इससे कम रिकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें हमको और आपको सबको शॉक कर देने वाली बात यह है कि हमको आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग कम्युनिकेबल डिसीजेज से मर रहे होंगे, कि जो डिसीजेज एक दूसरे से फैल रही हैं लोग उससे मर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे कि आपकी ट्यूबरकुलोसिस कम्युनिकेबल डिसीज हो गई, इबोला कम्युनिकेबल डिसीज हो गई, आजकल जो कोविड चल रहा है कम्युनिकेबल डिसीज हो गई, हमको लगता है लोग इसी से सबसे ज़्यादा मर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सबसे गलत फैक्ट है। लोग सबसे ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज से मर रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि ऐसी डिसीजेज जो एक दूसरे से नहीं फैल रही हैं, जैसे कि हार्ट डिसीजेज हो गया, कैंसर हो गया, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं और लोग सबसे ज़्यादा इन्हीं डिसीजेज से मर रहे हैं। क्या आपको पता है कि 2017 में सबसे ज़्यादा किलिंग डिसीज कौन सी मानी गई थी? आप ज़्यादातर अब ये सोचेंगे आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग कि कैंसर होगी या फिर एड्स होगा, HIV होगा, ये डिसीजेज नहीं हैं जिनसे सबसे ज़्यादा लोग मरे। सबसे ज़्यादा जो लोग मरे हैं वो डिसीज़ है इश्यमिक कार्डियक डिसीज से सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं। 2017 का रिकॉर्ड देखेंगे तो 8.9 मिलियन केवल लोग इसी डिसीज़ से मरे हुए हैं, और ओवरऑल जो आपकी पॉपुलेशन थी, जो डेथ हुई थी वो 50 मिलियन थी, और जिसमें से आप देखेंगे अराउंड 9 मिलियन सिर्फ और सिर्फ इसी डिसीज से मर चुके थे। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है और ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का है। रिकॉर्ड की यानी कि आंकड़ों की तो हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं कि ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, डे बाई डे लोग डिसीजेस का शिकार क्यों हो रहे हैं, या डे बाई डे लोग क्यों मर रहे हैं, ये चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती ही चली जा रही हैं, ग्रोथ जो कर्व है वो इस तरीके से क्यों होता चला जा रहा है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हमारा डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा शेड्यूल, हमारा प्रोफेशन, ये सब चीज़ें इसके रेस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप देखेंगे तो हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, सुबह कब उठते हैं, शाम को कब सोते हैं, वर्कआउट करते हैं नहीं करते हैं, किसी नशे के एडिक्टेड हैं या ड्रग अब्यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ दीज कंक्लूडेड इन आवर हेल्थ एंड अफेक्ट्स आवर हेल्थ आ मच। तो ये चीज़ें आप अगर देख रहे हैं कि आपके लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व हैं, अगर ये चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में डिस्टर्ब्ड हैं, तो ज़रूर ना ज़रूर आप भी किसी डिसीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपका बॉडी भी किसी ना किसी डिसीज़ का प्रोन होने के लिए बैठा हुआ है, और जल्दी वो किसी का प्रोन होगा और आप भी डेथ नंबर के तरफ जा सकते हैं। हार्डली ये कहना बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, लेकिन रियलिटी में जाएँ तो ये रियलिटी बन सकती है। तो इसके लिए अब मैंने यहाँ पर आपको कॉज भी बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें डेथ की रेट्स को बढ़ा रही है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि कई सारे लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई सारे लोग जंक फूड को खा रहे होंगे और वीडियो को देख रहे होंगे, और कई सारे लोग ऐसे होंगे कि जो जंक फूड खाने का प्लान कर रहे होंगे कि जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं उसके बाद बाहर चलते हैं और जंक फूड खाते हैं, या जो भी अपने बैड फूड्स हैं उनको बॉडी में एंटर करवाते हैं। दूसरे कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नशा कर रहे होंगे साथ ही साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे, या फिर नशा करने का प्लान कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर में उनको पार्टी में जाना है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल को ख़राब करती हैं, हमको बीमारी के पास ले जाती हैं, और बीमारियाँ जब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो हम जो है डेथ रेट के करीब जाने लग जाते हैं, या डेथ
का रिस्क जो है वो हमको लगने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे वर्ल्ड में डेथ रेट को इंक्रीज़ करती चली जा रही हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं, हमने बात कर ली रिकॉर्ड्स की, कॉजेज की, सॉल्यूशन क्या है भाई, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इन चीज़ों से बचेंगे, कैसे डिसीज़ के पास हम नहीं जाएंगे या डिसीज़ हमको नहीं होगी। इसका जो सॉल्यूशन है उसमें जो वर्ल्ड हेल्थ WHO ने जो इसका थीम दिया हुआ है वर्ल्ड हेल्थ डे का, इस बार का जो थीम है वो क्या है, बिल्डिंग ए फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड, मतलब कि एक सुंदर और स्वस्थ संसार बनाएं। अब ये सुंदर और स्वस्थ संसार कैसे बनाएंगे, सुंदर और स्वस्थ संसार बनाएंगे डिसीजेस को दूर रख के। डिसीजेस को दूर कैसे करेंगे, डिसीजेस को दूर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो आप पिकअप करेंगे वो है आपका डाइट, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा इरेगुलर हो चुका है। लोग कुछ भी खा रहे हैं, आप अगर जंक फूड देखेंगे इतने ज़्यादा वेरिएशन जंक फूड में दे दिए गए हैं, आप देखिए बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, बट क्या आपको पता है कि उनका मिक्सअप करना सही है, हमारे डाइट में उनको इन्वॉल्व करना सही है? लेकिन बिल्कुल भी गलत है, यही चीज़ें हमको डेथ के करीब ले जा रही हैं। क्या हम खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, कब हम खा रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डाइट के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है वर्कआउट, जो हम खाते हैं प्रॉपर डाइजेस्ट एब्जॉर्ब, ये पूरा जो मैकेनिज्म आप देखते हैं ईटिंग डाइजेस्टिंग एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन का, वो एक प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए। अगर ये फॉलोअप नहीं होता है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है या आपका डाइजेशन है ये डिस्टर्ब हो जाता है और हम डिसीजेस के करीब जाने लग जाते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, आप वर्कआउट करिए, रेगुलर वर्कआउट करिए, अपने जो शेड्यूल है उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको वर्कआउट करना चाहिए, फिजिकली आपको एक्टिव रहना चाहिए। तीसरी जो चीज़ आ जाती है यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, मेडिटेशन करना। मेंटल इलनेस के भी आपने रिकॉर्ड देखे, मिलियंस ऑफ पीपल मेंटल इलनेस की वजह से भी डेथ हो रही है उनकी, वो मर रहे हैं उससे, तो उसको सही करने के लिए मेडिटेशन करिए, अपने जो माइंड है उसको हेल्दी रखिए। माइंड हेल्दी रहेगा तो आप फिजिकली भी फिट रह सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनका आप ख्याल रखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, आप अपने एक आपका शेड्यूल होना चाहिए कि आप उठेंगे सुबह और शाम तक आप ये चीज़ें करेंगे। अगर आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं तो आपका लाइफस्टाइल जो है बैलेंस रहता है। बैलेंस लाइफस्टाइल इज़ द की टू लिव ए हेल्दियर एंड लॉन्गर लाइफ। तो आज मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, बी मेक ए प्रॉमिस टू योर सेल्फ टू मेक योर सेल्फ हेल्दी फॉर अ लॉन्ग। आज ही एक ये प्रॉमिस करिए कि आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे और लंबे समय तक हेल्दी रखेंगे अच्छी आदतों के साथ। Thanks for watching the video.